खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर में आज झांसी मंडल आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह का तूफानी दौरा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ललितपुर जिले के थाना तालबेट पहुंचकर वहां हर शनिवार को आयोजित होने वाले समाधान दिवस पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी को निर्देशित किया। इसके बाद उनका काफिला ललितपुर की ओर रवाना हुआ, जहां उन्होंने अमरपुर गल्ला मंडी के सामने स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्य को देखा और जल्द से जल्द समय अवधि के पूर्व इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद उनका काफिला ललितपुर की ओर चल पड़ा। इसके बाद झांसी मंडल आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने ललितपुर जिले के दौरा बाला बेहट पेयजल योजना का किया निरीक्षण और कार्य को समय अवधि से पूर्व पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ललितपुर जिले के दौरा पहुंचकर वहां अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया और कार्य अतिशीघ्र जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ललितपुर जिले के थाना मैरोनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आगौरा में कल मवेशी चराते समय तलिया में दो सगे भाइयों सहित तीन किशोरों की नहाते समय पानी में डूबकर मौत के मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान और इस घटना में अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए पीड़ितों की मदद हेतु हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और पीड़ितों से तत्काल मिलने के लिए प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मनु कोरी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया। इस मौके पर पहुंचे श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन उनके साथ है और पीड़ित परिवारों को नियमानुसार हर संभव मदद दी जाएगी। ललितपुर जिले में आयुष आपके द्वारे द्वारे अभियान के तहत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टीम ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए ये अभियान पूरे जिले में लगातार जारी है कि किस तरह से आयुर्वेदानुसार अपनी दिनचर्या है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे कि हम बीमार ही ना पड़े। यदि कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए जो आयुर्वेदिक दवाएँ हैं उसमें हमको किस तरह से उपचार करें। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निशुल्क ब्लड ग्रुप जांच शिविर 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को जिला अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में लगाया गया, जिसमें 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने रक्त ग्रुप की जांच कराई और विश्व की सबसे बड़ी बनने वाली ग्रुप डायरेक्टरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर उनके रक्त ग्रुप का नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि ब्लड ग्रुप की जानकारी होने से आकस्मिक स्थिति में लाभ मिलता है और रोगों के बारे में पता चलता है। ललितपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुराकला प्रभारी और आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ अवैध शराब के गढ़ पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 15 लीटर अवैध शराब सहित एक अभियुक्त को मौके पर किया गया गिरफ्तार। ललितपुर जिले के तालबेट कस्बे में पुलिस क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद, तालबेट कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने कस्बा तालबेट में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना तालबेट कोतवाली पुलिस बल के साथ नगर में पैदल मार्च किया। ललितपुर जिले के थाना तालबेट कोतवाली परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी से आए मंडल आयुक्त ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली परिसर में आज समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी गुलशन कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सहित राजस्व विभाग के कर्मचारीगण मौके पर मौजूद रहे।
ललितपुर जिले के तालबेड़ के छात्रों ने किया हरियाणा के पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम में लहराया परचम और वहां आयोजित एथलेटिक्स अंडर 17 में जिले का नाम किया रोशन। ललितपुर में रविवार दिन में 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड के सौजन्य से देश के प्रसिद्ध जाने माने हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा निशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश जांचें निशुल्क की जा रही हैं। नमस्कार आप सभी को। कल हमारे यहाँ नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड में एक निःशुल्क हड्डी रोग जाँच शिविर है, जिसमें डॉक्टर आदित्य शर्मा मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और जिसके अंदर हम लोगों ने बोन मैरो डेंसिटी कैंप भी लगा रखा है, जिसमें कैल्शियम शरीर के कैल्शियम की जांच भी हो जाएगी और भी कुछ जांचें हो जाएंगी वो जो कि निःशुल्क हैं। और जो डॉक्टर आदित्य शर्मा आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के भी डॉक्टर हैं। तो इसमें जो घिसे हुए घुटने या कूले या इवन लिगामेंट इंजरी जो कंधे की और घुटने की रहती है, इन सब का वो निशुल्क इलाज करेंगे। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि एक जागरूक कैंप है, तो आप लोग आकर इसका लाभ उठाएं सभी। ललितपुर जिले के थाना जाकलोन क्षेत्र अंतर्गत बंदरगुड़ा मार्ग पर मूर्ति विसर्जन के दौरान दबंगों ने एक दलित पर जमकर कहर ढाया और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। थाना जाकलोन पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अपराध संख्या 103/2022 धारा 147, 148 और 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट बनाम प्रद्युम्न उपाध्याय आदि के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई। इसमें दबंगों के हौसले लगातार बुलंदियों पर हैं और वह राजीनामा के दबाव बनाने के उद्देश्य से जाति सूचक शब्दों से लगातार धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इन दबंगों पर उचित कार्रवाई कर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजें। झांसी जिले के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में लोहा फैक्ट्री के नजदीक सुबह सुबह 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को मृत पाया तथा 2 की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के मामले की जानकारी। झांसी जनपद में बिजौली रेलवे स्टेशन है जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके आसपास एक बाउंड्री वॉल का अंदर मतलब जो ज़मीन में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही प्रेमनगर और बबीना थाना क्षेत्र का फोर्स मौके पर आ गया था और छानबीन किया गया, और मैं और मेरा पूरा टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। इसमें जो मृतक है इनका उम्र 42 वर्ष है, ये इनका हाथ पैर बांधा हुआ है और इनको हथौड़ा से मारा गया है जो मौके पर मिला है। जो पूछताछ में ये पता चल रहा है कि रात्रि में यहाँ पर इनका साथ 6 और अन्य लोग मौजूद थे। अभी इनका साथ में और 2 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस घटना को खुलासा करने के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई गई है। प्रथम दृष्टया अभी जमीनी विवाद लग रहा है, बट पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हर चीज़ क्लियर हो सकता है। जैसे मैंने बताया अभी तो जो हथौड़ा से एक मारा गया, जो इंजुरी हेड इंजुरी है, इसके अलावा गला में भी एक कपड़ा है, तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो सकता है काज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या है, बट अभी फिलहाल जो हेड इंजुरी का जो हथौड़ा है वो तो घटनास्थल से भी बरामद कर लिया गया। झांसी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति विष्णु राय पुलिस हिरासत में, बहुचर्चित लेखराज मामले में उनसे लगातार पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। किस मामले में गिरफ्तार किया? पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं कि शायद लेखराज सिंह के मामले में हमें किया है। भाई साहब क्या लगता है? झांसी जिला जेल में बंद सपा के पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव से 10 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए जेल पहुंचेगा और दीप नारायण से करेगा मुलाकात। झांसी जनपद में मोरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सप्रार बांध है, इसको कुरेचा डैम भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले
सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे तीन महिलाओं का डेड बॉडी बह के आई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गया है और देखा गया कि इसमें एक लगभग 25 साल का एक महिला का डेड बॉडी है और बाकी दोनों लगभग 19-20 साल का लग रहे हैं। अभी लोकल पब्लिक द्वारा भी इसको पहचान नहीं कर पाया। हम लोग जो आगे 2 किलोमीटर दूरी पे जो टीकमगढ़ जनपद का बॉर्डर है वहाँ भी हम लोग मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ जनपद को भी सूचना दी गई है और आसपास जनपद को भी हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और व्यक्तिगत सूचना पासन कर दिया गया है। शिनाख्त करने के लिए कोशिश की जा रही है। डेड बॉडी को एग्जामिन करने में कहीं भी चोट का निशान नहीं है। अभी पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा विजिट की गई है। और अब देखिए खबरें टीकमगढ़ जिले से। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित 66वीं संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में दमोह, पन्ना सागर, बीना, टीकमगढ़ आदि की टीमों ने भाग लिया, जहां टीकमगढ़ से 5 बालिकाओं ने इस प्रतियोगिता में अपने जौहर दिखाए और मेडल प्राप्त किए। जिसमें कराटे कोच अंजलि भटनागर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में टीकमगढ़ से अंजलि विश्वकर्मा, आस्था विश्वकर्मा और नंदिनी बड़गैया ने गोल्ड मेडल जीते, तो वहीं साक्षी यादव और मीनाक्षी यादव ने सिल्वर मेडल जीते और अपने टीकमगढ़ जिले का नाम रोशन किया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के इजाफे को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को लेकर टीकमगढ़ पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती के साथ नरमी, और जो बाइक सवार हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहे थे उनका थाना कोतवाली पुलिस ने पुष्पमाला पहनाकर किया स्वागत और कहा हेलमेट लगाना अनिवार्य। प्रदेश मुख्यालय द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार यह अभियान आगामी 20 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाएगा। तो ये थी आज की दिनभर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।